मेरी तरफ से और पूरे विद्यालय परिवार की तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी लोग घर पे रह के सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए, जो सरकार के शासनादेश हैं उसका पालन करते हुए अपनी पढ़ाई को जारी रखें, हम लोग यही आशा करते हैं। आज हम लोग बच्चों कक्षा 12 में पोएट्री के बुक से 4 लेसन पढ़ेंगे, उसके बाद फिर हम रेफरेंस का टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन लिखना सीखेंगे, और उससे भी पहले फिगर आप स्पीच के बारे में सीखेंगे क्योंकि उसकी भी ज़रूरत पड़ती है। और बच्चों हम अगर अच्छे से जान गए रेफरेंस लिखना, सेम सब चीज वही रहेंगे, सारी लाइन वही रहेंगे, लेकिन आपके तो हम कह रहे थे बच्चों कि यदि हम रेफरेंस की कुछ बिंदु हैं, कुछ शब्द हैं, वो याद रख लेंगे, केवल पोएम नेम भरने रहेंगे, पोएट नेम भरने रहेंगे, कॉन्टेक्स्ट भी वैसे ही सिखाया जाएगा कि थोड़ा ही रखना हो, सब काम अच्छे से हो, और एक्सप्लेनेशन तो वही लड़का कर पाएगा जिसको अर्थ आएगा और ग्रामर आता। और बाकी बच्चों ऐसा माना जाता है कविता स्वयं में खुद ही एक्सप्लेनेशन है, यदि हम स्वयं वही लिख सकते हैं जो लिखा गया है, कुछ अपने विचारों को व्यक्त करके, तब भी गलत नहीं हो सकता। तो ये सारी चीजें बाद में, पहले हम लेसन कंप्लीट कर लें, क्योंकि हमें सारे बच्चों तक पहुंचना भी है कि हम हमारे यहाँ इतने लेसन हुए और ऑनलाइन व्यवस्था के माध्यम से हम लोगों ने इतना वीडियो उपलब्ध कराया, इसका अपडेट देना भी रहता है जो बोर्ड से संबंधित जिले कार्यकारिणी की देख रेख में डीवाईएस साहब को भी ढेर सारी सूचनाएं दी जाती हैं विद्यालयों के माध्यम से, जिससे उनकी व्यवस्था भी मेंटेन बनी रहती है। तो हम बच्चों ध्यान देंगे चौथा लेसन है फ्रॉम एंड एलजी रिटेन इन कंट्री चर्चा। तो फ्रॉम माने से एंड एलजी एक संगीत रिटर्न लिखा गया, इन माने में एक कंट्री, बच्चों कंट्री माने देश होता है, लेकिन अगर उसके पहले ए लगा देंगे तो देहात हो जाएगा, देहात के चर्च यार्ड माने कब्रिस्तान से, एक देहात के कब्रिस्तान से लिखा गया एक शोक गीत। बच्चों शोक गीत दो मीन्स होता है, एक लैमेंट और एक एलजी, जो स्वयं पे दुख व्यक्त किया जाए वो लैमेंट कहलाता है, जो दूसरे पे दुख व्यक्त किया जाए उसे एलजी कहा जाता है। जो कवि है थॉमस ग्रे महोदय, ये कब्रिस्तान में बैठ के गरीबों की कब्रों को देख करके अपनी कविता को लिखे। तो बच्चों ध्यान दीजिए, यहाँ से बुक का आप खोल लीजिए, प्रत्येक लाइन को आप देखिए, आवाज सुनिए, मीनिंग को देखिए, आपको मीनिंग लिखने की आवश्यकता नहीं है, और किताब के साथ ध्यान दोगे तो रटने की भी आवश्यकता नहीं। द कर्फ्यू, जो हमने
कहा कविता के जब भी हम पढ़ाई करें तो प्रत्येक शब्द को तोड़ डालिए, अपनी पकड़ इतनी मजबूत बनाइए हर एक शब्द रट जाए। कर्फ्यू, कर्फ्यू माने घंटी, टोल्स माने बजती है, दी नेल माने संकेत देती है, आप माने का पार्टी माने विदाई का डे माने देती। अब घंटी बजती है दिन के विदाई का संकेत देती है, दिन विदाई माने बच्चों समाप्त हो। तो हम ध्यान दें, अब घंटी कहाँ की बजती है बच्चों, बात कहाँ की है, चर्च यार्ड। चर्च किससे संबंधित है, गिरजा घर से, अर्थात गिरजा घर की घंटियां बजती हैं जो दिन समाप्त होने का संकेत देती है। द लविंग हर्ड, लविंग रभाते हुए, हर्ड माने झुंड पशुओं का समूह, माइंड माने टेढ़े मेढ़े, स्लोली माने धीरे धीरे, ओवर माने छोड़ दिया है, दिल्ली माने चारागाह, पशुओं का झुंड धीरे धीरे टेढ़े मेढ़े चारागाह को छोड़ दिया है। द प्लाउमैन माने कृषक भी, होमवार्ड माने घर की तरफ हो लिए हैं, प्लॉट परिश्रम करके हिचबियरी वे अपने थके हुए रास्ते, कृषक भी अपने घर की तरफ खेतों में कठिन परिश्रम करके थक जाने के कारण अपने घर की तरफ हो लिए हैं। एंड लीव जो और छोड़ गए हैं, दी वर्ड संसार को, टू डार्कनेस अंधेरे को, एंड टू मी और मुझ तक, कह रहे संसार को अंधेरे को मेरे लिए छोड़ गए हैं, अर्थात कवि का भाव है हर कोई चला गया इस कब्रिस्तान में, मैं अकेला ही बचा। तो बच्चों पहले स्टेंजा में जो चार पंक्तियां हैं सबका अर्थ फिर से एक बार देख डालो, गिरजा घर की घंटियां बजती हैं जो दिन के समाप्त होने का संकेत देती हैं, पशुओं का झुंड रभाते हुए धीरे धीरे टेढ़े मेढ़े चारागाह को छोड़ दिया है, किसान भी अपने घर की तरफ हो लिए हैं, खेतों में कठिन परिश्रम करके थक जाने के कारण अपने घर की तरफ धीरे धीरे जा रहे हैं, मुझको इस संसार को और अंधेरे को छोड़ गए हैं, अर्थात इस कब्रिस्तान में मैं अकेला ही बचा हूं। बच्चों सेकंड स्टैंजा, बिनीद माने नीचे, दो जैन रग्ड खुरदुरे, एल्म एल्म वृक्ष के नीचे। बच्चों एल्म एक ऐसा पौधा जो स्वयं उगाता है, जैसे अपने हरेण तुरेण भी कह सकते हो, चिराबेल भी होता है। बिनीद नीचे दो जून रक्त खुरदुरे, एल्म एल्म वृक्ष के नीचे, दैट ई ट्रीज शेड, जो ई नामक वृक्ष की शेड छाया है, जो ई सदाबहार वृक्ष की छाया है, उन खुरदुरे एल्म वृक्ष के नीचे, ई सदाबहार वृक्ष की छाया में, वैर हीवेज, वैर जहना हीवेज माने भरी हुई है मिट्टी, दी ट्रूफ माने घास उगाया हुआ है, इन मेनी ए बहुत से माउंडरी माने टूटे हुए, मिट्टी के कणों का ही माने ढेर लगा हुआ है, जहां मिट्टी भरी हुई है उस पे घास उगाया है और बहुत से टूटे हुए मिट्टी के कणों का ढेर लगा हुआ है। ईच इन हिज नैरो, अपनी प्रत्येक सकरी कोठरियों में, फॉर एवर लेड हमेशा के लिए पड़े हुए हैं, द रूड असभ्य फोर फादर्स माने पूर्वज, ऑफ द हेमलेट्स छोटे से कस्बे के असभ्य पूर्वज अपनी प्रत्येक सकरी कोठरियों में हमेशा के लिए पड़े हुए।
बच्चों दोनों लाइन का फिर से देखो अर्थ। एल्म वृक्ष के नीचे जो खुरदुरा स्थान है, इस सदाबहार वृक्ष की छाया में जहाँ मिट्टी उभरी हुई है, उस पर घास उगाई हुई है और बहुत से टूटे हुए मिट्टी के कणों का ढेर लगा हुआ है। अपनी प्रत्येक संकरी कोठरियों में हमेशा के लिए पड़े हुए हैं छोटे से कस्बे के असभ्य पूर्वज, हमेशा के लिए अपने कब्रों में लेटे हुए हैं। अगला स्टेंजा बच्चों, द ब्रीज कॉल ऑफ इंसेंस ब्रीदिंग मारना। द ब्रीज माने सुगंध, काल पुकारती ऑफ इंसेंस खुशबू को ब्रीदिंग बहने वाली मार्न, प्रातः काल की बहने वाली सुगंध खुशबू को पुकारती है, ऐसा भाव है बुक का। लेकिन हम अपने शब्द में कह सकते हैं प्रातः काल की बहने वाली सुगंधित हवा। दी स्वेलो अबाबिल पक्षी का ट्विटरिंग चहचहाना फ्रॉम दी स्ट्राबिल्ट सूखे तिनके से बने हुए सेड माने घोंसले से। सूखे तिनके से बने हुए घोंसले से अबाबिल पक्षी का चहचहाना। दी काक्स श्री क्लारियन मुर्गे की तेज ध्वनि अथवा चोइंग हार्न अथवा शिकारियों का भोंकू। नो मोर सेल राउज नहीं जगा पाएगा देम उन्हें फ्रॉम दियर लवली बेड, उनके प्यारे प्यारे बिस्तर से, उनके प्यारे प्यारे बिस्तर से उनको कभी जगा नहीं पाएगा। प्रातः काल की बहने वाली सुगंधित हवा, सूखे तिनके से बने घोंसले से अबाबिल पक्षी का चहचहाना, मुर्गे की तेज ध्वनि, शिकारियों का बिगुल, उनको उनके प्यारे प्यारे बिस्तर से कभी जगा नहीं पाएगी। लेट नॉट बी एम्बिशन मूव द एयर यूजफुल टॉयल। लेट माने चाहिए, नॉट एम्बिशन महत्वाकांक्षी व्यक्तियों को मूव चिढ़ाना, दियर उनके यूजफुल लाभदायक टॉयल माने कार्यों पर, महत्वाकांक्षी व्यक्तियों को उनके लाभदायक कार्यों पर नहीं हंसी उड़ाना चाहिए। डियर होमली जॉय उनके साधारण आनंद के लिए किए गए कार्यों पर। एंड डिस्टनी एब्सक्यूर, एंड डिस्टनी माने भाग पर, एब्सक्यूर माने अस्पष्ट, महत्वाकांक्षी व्यक्तियों को गरीबों के अस्पष्ट भाग्य पर और उनके द्वारा किए गए साधारण आनंद के लिए कार्यों पर महत्वाकांक्षी व्यक्तियों को हंसी नहीं उड़ाना चाहिए। नार ना तो ग्रैंडियर माने शानदार, लोगों को हियर सुनकर भी दिए डिसडेनफुल घृणा पूर्वक स्माइल मुस्कान करनी चाहिए। ना तो शानदार लोगों को सुनकर घृणा पूर्वक मुस्कान करनी चाहिए। दी शॉर्ट माने छोटी, एंड सिंपल साधारण, एनाल माने घटना को सुनकर, आप दी पुअर गरीबों की छोटी साधारण घटना को सुनकर शानदार लोगों को घृणा पूर्वक मुस्कान नहीं करना चाहिए। एंड और ऑल दैट ब्यूटी, अगला लेसन बच्चों ध्यान, अगला स्टेंजा हम ध्यान देंगे। द बोस्ट ऑफ हेरल्डरी, द बोस्ट माने सेखी बघारने वाले ऑफ हेरल्डरी, उच्च कुल में जन्म लेकर सेखी बघारने वाले। द पोम्प ऑफ पावर, द पोम्प माने प्रदर्शन करने वाले ऑफ द पावर, अपने शक्ति का प्रदर्शन करने वाले। ऑल एंड और ऑल पूरी तरह से, दैट ब्यूटी जिन्हें सुंदरता, आल पूरी तरह से, दैट वेल्थ धन, एवर गिव कभी दे दिया गया। उच्च कुल में जन्म लेकर सेखी बघारने वाले, जैसे बच्चों राजा का बेटा पहले राजा हुआ करता था तो उसके दादा बाबा ढेर सारा पूर्वज उसके धन उसके नाम करते थे, तो वही कह रहे हैं उच्च कुल में जन्म लेकर सेखी बघारने वाले, अपने शक्ति का प्रदर्शन करने वाले, जिन्हें पूरी तरह से सुंदरता और पूरी तरह से धन कभी दे दिया गया हो, अवेट्स प्रतीक्षा करती है एलाइक तरह द इनवाइटेबल आवर, कभी ना टाले जा सकने वाले घंटे, उन्हीं गरीबों की तरह। कह रहे ठीक, कभी ना टाले जा सकने वाले घंटे उन्हीं गरीबों की तरह उनकी भी प्रतीक्षा करती है,
क्योंकि द पथ्स ऑफ ग्लोरी, पथ माने रास्ते, ऑफ ग्लोरी माने संपन्नता, क्योंकि संपन्नता के रास्ते लीड माने जाते हैं बट माने केवल टू दी ग्रेव, कब्र की तरफ, क्योंकि संपन्नता के सभी रास्ते केवल कब्र की तरफ जाते हैं, अर्थात एक दिन सबको मर जाना है, इसलिए हमें किसी के ऊपर गरीबी अमीरी का हंसी मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। तो लास्ट के बच्चों दो स्टेंजा मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, फ्रॉम एन एलजी रिटन बाय कंट्री चर्चयार्ड, थॉमस ग्रे जी का है, तो ये हम जरूर रट लेंगे बच्चों। मैं आशा करता हूँ आप अच्छे से इस पाठ को याद कर लेंगे। ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी लोगों को, धन्यवाद। अगला जो चीज़ हम सीखेंगे रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट एक्सप्लेनेशन, वो अगली वीडियो में। धन्यवाद।